Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a very, you can say, interesting topic, the Knowledge Society. And the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for your various examination purposes as well as for your general awareness. So let's start. Knowledge Society. कोई भी आर्टिकल आप आजकल उठाकर देखिए, कहीं भी आप पेपर लिखना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो हमको हम गूगल सर्च करिए, आप कोई भी लिटरेचर पढ़िए, तो जनरली कहाँ से शुरू होता है कि वी आर लिविंग इन द नॉलेज सोसाइटी. हम ज्ञान के समाज में रहते हैं, या ये ज्ञान का समाज है, या ये नॉलेज सोसाइटी है. ये सब एकदम शुरुआती लाइन होती है कि नॉलेज सोसाइटी. तो नॉलेज सोसाइटी होती क्या है, उसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या इंटर रिलेशनशिप है. अक्सर क्या ये दोनों तीनों इंटरलिंक्ड हैं, कैसे एक दूसरे पर पारस्परिक अंतर निर्भरता है, क्या है इसको देखते हैं कि इंटर रिलेशनशिप क्या सहसंबंध है. आंकड़ा, जिसको आंकड़े कहिए, सूचना कहिए और ज्ञान कहिए. तो डेटा क्या है? डेटा इज यूजुअली एन ऑब्जर्व्ड फैक्ट. क्या है डेटा? हमने कहीं से कोई डेटा एकत्रित किया है, कलेक्ट किया है, इसका मतलब कि हमने ऑब्जर्व किया, यानी कि ये ऐसा फैक्ट है, ऐसा तथ्य है जिसको जो ऑब्जर्व प्रेक्षणीय है ना, एक प्रेक्षणीय तथ्य है डेटा. ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टमेटिक सर्वे और स्टडी. और हमको कैसे मिलता है? हम कोई सर्वे करते हैं, हम कोई अध्ययन करते हैं, तो उसके आधार पर हमको डेटा मिलता है. रिलेटिंग टू ए सर्टेन एक्टिविटी, और ये किसी ना किसी निश्चित एक्टिविटी से संबद्ध होता है. दीज डेटा आर एनालाइज्ड एंड सिंथेसाइज्ड टू डिराइव इंडिकेटर्स, प्रोवाइड प्रोजेक्शंस एंड अराइव एट वैलिड रेफरेंसेस विद रेफरेंसेस टू एनी इवेंट और एक्टिविटी एंड सो ऑन. मतलब आप कोई भी, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई स्टडी कर रहे हैं, आपको आपने गए और आपने सर्वे किया, तो बहुत सारा आपने आंकड़ा एकत्रित किया ना, नाम, किस उम्र के लोग हैं, क्या खान पान है, जो भी आपका सर्वे का टॉपिक रहा हो. तो फिर आप वो डेटा एज इट इज कुछ नहीं है. जब आप उसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ सिमिलैरिटी है, कहाँ डिससिमिलैरिटी है, फिर सिंथेसाइज करेंगे, तो आप पाएंगे कुछ इंडिकेटर निकल के आ रहे हैं कि अच्छा, इस वर्ग के लोग ऐसा करते हैं, इस आयु के लोग ऐसा करते हैं, इस लिंग के लोग ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ. तो इंडिकेटर निकलता है, प्रोजेक्शन निकलता है जब हम डेटा को एनालाइज या सिंथेसाइज करते हैं. तो फिर इन्फॉर्मेशन कैसे निकलती है? इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. यानी कि जब आप आंकड़ों का प्रसंस्करण करते हैं, प्रोसेसिंग उनकी करते हैं, तो सूचना एकत्रित होती है, सूचना प्राप्त होती है कि अच्छा, ये ऐसा होता है. द स्टोरेज, रिट्रीवल एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बिकम एसेंशियल फॉर ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सचेंजेस. यानी कि जब आप डेटा को स्टोर करते हैं, उसको फिर से पुनः प्राप्त करते हैं, उसका प्रसंस्करण करते हैं, ये सब आजकल की जो दुनिया है, जो समाज है, उसके आर्थिक और सोशल, सामाजिक एक्सचेंजेस के लिए बहुत जरूरी है. तो इसमें क्या क्या आएगा? डेटा प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, डेटा बेसिस और डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि फॉर शेड्यूलिंग. तो आपको ये सारा डेटा से रिलेटेड काम इसमें करना है. फिर नॉलेज क्या है? तो डेटा हमने ऑब्जर्व्ड फैक्ट से एकत्रित किया है, इंफॉर्मेशन हमने डेटा को प्रोसेस करके पाई है, और नॉलेज क्या है? नॉलेज ऑन द अदर हैंड इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट और आइडियाज प्रेजेंटिंग रीजन्ड जजमेंट और एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम इन सम सिस्टमैटिक फॉर्म. मतलब ये है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख दें, एकदम हमने उसको संगठित तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से रख दिया, तो वही इंफॉर्मेशन नॉलेज का काम करती है, नॉलेज को जन्म देती है. यानी कि डेटा से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है और इंफॉर्मेशन से नॉलेज जनरेट हो रही है. ये हायरार्की हमको समझनी होगी पहले. अब बात करते हैं, जैसे कि डेटा से इंफॉर्मेशन बना और इंफॉर्मेशन से नॉलेज बना, उसी तरह से नॉलेज सोसाइटी का प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन सोसाइटी है. कई बार ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या कहीं आपसे कि कौन पहले आया, इंफॉर्मेशन सोसाइटी की नॉलेज सोसाइटी? तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी पहले आई है. इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने नॉलेज सोसाइटी को जन्म दिया है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन नॉलेज को जन्म देती है.
एज सिंपल एज दैट. तो द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज अ सपोर्ट फॉर द नॉलेज सोसाइटी ना, ये एक सहायता की तरह से कार्य करती है, एक एक उसका बेस है. मेंसल एंड ट्रेम्बले ने कहा कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज द फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज सोसाइटी, यानी कि अगर हम ज्ञान के समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो उसकी नींव में सूचना का समाज आएगा. व्हाइल एराइजा पॉइंट्स आउट दैट ऑन बोथ कंसेप्ट सम प्रिसीजंस मस्ट बी मेड, फर्स्ट देयर आर समटाइम्स यूज्ड एज सिनोनिम्स. कभी कभी हम नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में यूज कर लेते हैं, बट दे आर नॉट ऑल्दो, बट मतलब ऐसा यद्यपि है नहीं, वो आपस में बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन एक ही नहीं है. सेकेंड, देयर इज अ कन्वेंशन दैट स्टेट्स दैट द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज अ कंडीशन ऑफ द नॉलेज सोसाइटी. मतलब कि अगर हमको ज्ञान के समाज का निर्माण करना है तो उसकी पूर्व दशा है कि हम पहले हमको सूचना का समाज मिले. एंड द फॉर्मर हैज मोर टू डू विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड द लेटर विद अ ब्रॉडर डायमेंशन ऑफ सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन. और इन अदर वर्ड्स दैट इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ दिस न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी दैट विल फाइनली टेक अस टू द स्टेज ऑफ नॉलेज. मतलब क्या समझे कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है वो सपोर्ट सिस्टम है नॉलेज सोसाइटी का, इंफॉर्मेशन सोसाइटी फाउंडेशन है नॉलेज सोसाइटी के लिए, और अगर आपको विभेद करने को कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि सूचना का समाज जो है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे बेस्ड है. भाई आईसीटी आया, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी आया, तो उसकी वजह से सूचना तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, फटाफट हो गया, विद इन द सेकेंड हो गया. और जो नॉलेज सोसाइटी है उसका लेना देना ज्यादा किससे है, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक जो रूपांतरण हो गया है उससे लेना देना नॉलेज सोसाइटी का है. बोरोसो रिफर टू बोथ कॉन्सेप्ट्स एंड स्टेटेड दैट इन द नॉलेज सोसाइटी एवरीवन, यानी कि अगर ज्ञान का समाज होगा, कैसे कह सकते हैं हम कि ज्ञान का समाज बन गया है, हैज द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज टू द एक्टिव मेंबर्स इन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. देखिए कितना मतलब कितनी इस लाइन में कितनी गहराई है. नॉलेज का जो सोशल कंस्ट्रक्शन है यानी कि ज्ञान का जो सामाजिक निर्माण हो रहा है उसमें अगर हर व्यक्ति हर इंडिविजुअल एक एक्टिव सदस्य के रूप में भूमिका निभा रहा है, उसके पास वो दक्षता है, उसके पास वो कौशल है, तो आप कह सकते हैं कि ये ज्ञान का समाज है. The possibilities of dissemination of information offered by the digital environment. और चूंकि digital environment है तो ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो सूचना है, उसका dissemination यानी कि प्रसार भी बहुत तेजी से होगा. फिर नॉलेज सोसाइटी का इवोल्यूशन, अगर हम सोसाइटी के इवोल्यूशन के क्रम में देखें तो एल्विन टॉफलर ने हमको तीन चरण बताए हैं, या आप कह सकते हैं कि मानव समाज के विकास के तीन तरंगे, तीन विकास के चरण बताए हैं. कौन सा? सबसे पहले था एग्रीकल्चरल वेव, सभी जानते हैं जब कृषि क्रांति या कृषि की वेव जब चली थी, विच बिगेन विद द एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन एंड रिजल्टेड इन फिजिकल सब्सटेंस एज द मेन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन रिसोर्स. और मतलब जितना कृषि करना है ना, तो उस वक्त तो हाथ से हो रही है, मशीनों से हो नहीं रही है, तो जितने ज्यादा फिजिकल रिसोर्स होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा. फिर आई इंडस्ट्रियल वेव, जब औद्योगिक क्रांति आई, विच लास्टेड अप टू अबाउट 300 इयर्स एंड वाज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन एंड एनर्जी कंजम्पशन. और ये लगभग 300 साल तक चली, और ये किससे रिलेटेड थी कि इंडस्ट्रियल वेव आई तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से हुआ. मतलब कि फिजिकल जो रिसोर्स है उसको मैकेनिकल रिसोर्स ने बदल दिया, से रिप्लेस कर दिया गया, और एनर्जी का कंजम्पशन हुआ. फिर आई है सुपर इंडस्ट्रियल वेव, जिसको आप कह सकते हैं, और ये सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में उत्पन्न आई है, एंड वॉज कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ आईटी, यानी कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया तो इंडस्ट्रियल वेव सुपर इंडस्ट्रियल वेव में कन्वर्ट हो गई, विच कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द नॉलेज सिस्टम. इसी तरह से द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज एक्सपोज बाई डेनियल बेल. देखिए बहुत इनका नाम है, बहुत इनका लिखा हुआ लिटरेचर वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है. तो डेनियल बेल ने 1973 में कहा कि पोस्ट मतलब इंडस्ट्रियल के बाद आई तो पोस्ट इंडस्ट्रियल हो गई, इम्फेसाइजेस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन द इकोनॉमी. तो अब क्या हुआ है कि जो अर्थव्यवस्था है उसके उसको बढ़ाने में किसका योगदान है, सूचना का और ज्ञान का योगदान है, जैसा पहले कभी नहीं था. वन ऑफ द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ नॉलेज इन द इकोनॉमी, ये पहले वन ऑफ द फर्स्ट उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने ये पहचाना कि अर्थव्यवस्था में ज्ञान की भी भूमिका है. वन ऑफ द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ नॉलेज एंड इट्स कोरिलेशन विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज डेनियल बेल विद द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. यानी कि इन्होंने माना पहचाना कि अगर हमको समाज का रूपांतरण करना है, उसको चेंज करना है, अच्छाई की तरफ ले जाना है, बढ़ोतरी की तरफ ले जाना है, तो तो ज्ञान की भूमिका होगी और ज्ञान से ही ऐसा संभव हो सकेगा. ठीक है, नॉलेज सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है? ए नॉलेज बेस्ड सोसाइटी रिफर्स टू द टाइप ऑफ सोसाइटी दैट इज नीडेड टू कंपीट एंड सक्सीड इन द चेंजिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड.
यानी कि अगर आपको प्रतियोगिता में बने रहना है, आपको सफल होना है, तो हमारे समाजों को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनना होगा। इट रिफर्स टू सोसाइटीज दैट आर वेल एजुकेटेड, यानी कि इसके अंतर्गत कौन सा समाज आएगा जहां पर लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से सुशिक्षित हों, अच्छी तरह से शिक्षित हों, एंड हु देयरफॉर रिलाय ऑन द नॉलेज ऑफ देयर सिटीजंस टू ड्राइव द इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डायनामिज्म ऑफ द सोसाइटीज इकोनॉमी। यानी कि समाज की जो अर्थव्यवस्था है वो किससे चलेगी, नवाचार से चलेगी, लोगों के जो वहां के नागरिक हैं उनके ज्ञान पे निर्भर करेगी, उनके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पर निर्भर करेगी, डायनेमिज्म कितना आप डायनेमिक हैं। ए सोसाइटी दैट जनरेट्स शेयर्स एंड यूटिलाइजेस नॉलेज फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड वेल बींग ऑफ इट्स पीपल। और किसको कह सकते हैं नॉलेज सोसाइटी, ये उस तरीके का समाज है जो जनरेट करता है, शेयर करता है, मतलब उत्पन्न करता है, आपस में एक दूसरे से साझा करता है और योग उपयोग करता है, किसका, ज्ञान का, किसके लिए, प्रॉस्पेरिटी यानी उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए और लोगों के जन कल्याण के लिए। ए नॉलेज सोसाइटी जनरेट्स शेयर्स एंड मेक्स अवेलेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी नॉलेज दैट मे बी यूज्ड टू इंप्रूव द ह्यूमन कंडीशन। यानी कि यहाँ पे मानव की दशा सुधारने के लिए ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है, वही समाज ज्ञान का समाज कहलाएगा। कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं नॉलेज सोसाइटी के, द इंफॉर्मेशन अलोन डज नॉट क्रिएट नॉलेज। देखिए सिर्फ सूचना से ज्ञान नहीं बनेगा, कब बनेगा, फॉर नॉलेज क्रिएशन टू टेक प्लेस रिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अवेयरनेस, मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आप सूचना को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें अवेयरनेस, उसमें देखेंगे, उसमें अर्थ देंगे, उसको समझ देंगे, तब वो ज्ञान बनता है। The anticipated semantic web 3 and ubiquitous web 4। देखिए मैंने कभी सोचा है शायद किसी एक मेरे आई थिंक कि ICT या किसी एक मेरी उसमें ई लर्निंग में शायद किसी स्लाइड में, किसी PPT में मैंने वेब 1, 2, 3, 4 आपसे डिस्कस किया है, तो ये आप वहां से देख सकते हैं। तो द एंटिसिपेटेड सीमेंटिक वेब, जब वेब पहले 1 था, फिर 3, 2, अब तो वेब 5 की बात हो रही है, एंड यूबिक्विटस वेब 4 विल हैव बोथ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज क्रिएशन फॉरवर्ड इन देयर कैपेसिटीज टू यूज इंटेलिजेंस टू डिजिटली क्रिएट मीनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ यूजर ड्रिवन ICT। मतलब कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वेब बढ़ गया, वो अब चार यूबिक्विटस का मतलब सबके लिए अवेलेबल है, फिर वेब 5 आ रहा है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस को भी हम इस तरह से यूज कर रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में हम बेहतर सर्वाइव कर सके। तो यूनेस्को ने क्या कहा है, 4 प्रिंसिपल बताए हैं जो कि एक इक्विटेबल समता मूलक ज्ञान के समाज के विकास के लिए जरूरी है। कौन कौन सा, कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक रूप से विभिन्नता होनी चाहिए, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, सब तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन यानी जो आप RTI कहते हैं, यानी कि हम कहीं से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सूचना पर भी सबका समान एक्सेस होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अगर ये 4 बेसिक प्रिंसिपल आप फॉलो करते हैं तो यू कैन कन्वर्ट योर सोसाइटी इनटू द नॉलेज सोसाइटी। रोल ऑफ ICT क्या है, वेल इविडेंट है कि ICT का रोल है नॉलेज सोसाइटी में। दी यूनेस्को वर्ल्ड रिपोर्ट एड्रेसेस द डेफिनेशन, कंटेंट एंड फ्यूचर ऑफ नॉलेज सोसाइटी, यानी यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट में नॉलेज सोसाइटी को डिफाइन किया है, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए ये बताया और उसका भविष्य बताया है, और उसने कहा है कि द ग्रोथ ऑफ ICT हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द वर्ल्ड कैपेसिटी फॉर द क्रिएशन ऑफ रॉ डेटा एंड द स्पीड एट विच इट इज प्रोड्यूस्ड। कह रहे हैं कि जब ICT आ गया, उसकी जो इतनी वृद्धि हो गई है, उसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत तेजी से डेटा जनरेट हो रहा है, तो डेटा से क्या होगा, इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन से नॉलेज। द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट डिलीवर्ड अनहर्ड ऑफ क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन टू पीपल। द इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट फ्रॉम वेब 1 टू वेब 2 ऑफर्ड इंडिविजुअल टूल्स टू कनेक्ट विद ईच अदर वर्ल्ड वाइड एज वेल एज बिकम कंटेंट यूजर्स एंड प्रोड्यूसर्स। देखिए वेब 2 को वो कहा जाता है जिसमें आप खुद जनरेट कर सकते हैं, जैसे विकिपीडिया हो गया है ना, आप जाके उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, है ना, कंटेंट प्रोड्यूसर, कंटेंट यूजर। वो बात दूसरी है कि वो चेक किया जाएगा बाद में एक्सपर्ट्स के द्वारा, ऐसा ही नहीं कुछ भी नहीं लिख सकते आप। फिर तो इससे क्या हुआ, कनेक्शन बढ़ रहा है। फिर इनोवेशन इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड मोबाइल डिवाइसेज ऑफर्स इंडिविजुअल्स अ मींस टू कनेक्ट एनीवेयर एनी टाइम। कहते हैं ना कि 3 A's, एनीवेयर एनी टाइम एनीवन, कि आप कहीं भी किसी से भी कभी भी बातचीत कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज अगर एक्सेसिबल हैं तो ये संभव है। टूल्स ऑफ ICT हैव द पोटेंशियल टू, और ये जो ICT के टूल हैं उनसे क्या होगा, उनमें क्या शक्ति है, क्या उनमें वैभव है, विभव है, कि वो एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट और एक्सेस टू रिसोर्सेज को ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि कितनी तेजी से हम लाखों लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, रोजगार इस तरह से उत्पन्न हो सकता है, किसी मतलब इन न्यूमरस पीपल तक विद इन द सेकेंड इंफॉर्मेशन पहुंच जा रही है, एक्सेस टू रिसोर्सेज है, तो इस सब ने यानी कि ICT ने नॉलेज सोसाइटी के इवोल्यूशन में हेल्प किया है।
तो अब आप जब कोई आर्टिकल पढ़ेंगे और आप लिखेंगे या कहीं लिखेंगे नॉलेज सोसाइटी के बारे में, तो आई थिंक कि ये कंसेप्ट अब आपके लिए ज्यादा क्लियर है। नॉलेज सोसाइटी का मतलब कि जिस समाज के लोग सुशिक्षित हों, जहां डेटा के शेयरिंग, क्रिएशन और अंडरस्टैंडिंग और एक्सचेंज से आप इकोनॉमी की हेल्प में मदद कर सकें, इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प कर सकें, वो ही नॉलेज सोसाइटी है। और जैसे जैसे आईसीटी का इवोल्यूशन हुआ है, वैसे वैसे नॉलेज सोसाइटी का भी इवोल्यूशन हुआ है और होगा। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।